السلام عليكم. This is Mama Shakur from this university. Now we are starting our new subject that is course title is Waves and Oscillations and the course code is 104. In the last lecture, we have started the chapter number 1, Harmonic Oscillations. So first we discuss what we have read in the previous lecture. तो सबसे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में किन किन टॉपिक्स को कवर किया था. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वेव्स हमारे पास क्या होती है. इसमें हमने देखा था कि कोई भी हमारे पास वेव हो, कोई भी हम जब वेव की बात करते हैं तो हम वहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी डिस्टर्बेंस है. वेव को हम बहुत सारी टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं. जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, साउंड वेव्स को डिस्कस किया था और फिर हमने मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी डिस्कस किया था. ओके, फिर हमने देखा था, फिर हमने बेसिक जो हमारे पास था, बेसिक जो टर्म्स थी जो आपने पूरे चैप्टर में पढ़नी है वो हमने डिस्कस की थी. वेव्स को सबसे पहले डिस्कस किया था, उसके बाद हमने ऑसिलेशंस को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस किया था कि टू एंड फ्रो मोशन जो होती है. लेट सपोज ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जो वाइब्रेटरी मोशन होती है, टू एंड फ्रो मोशन, उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. उसके बाद हमने टाइम पीरियड को डिस्कस किया था कि टाइम पीरियड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में जितना टाइम चाहिए उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं. फ्रीक्वेंसी किसी भी एक पॉइंट में से जितनी नंबर ऑफ वेव्स गुजरती हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हमने कहा था वो हमारे पास एम्पलीट्यूड है. हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल को डिस्कस, हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल को भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने मास स्प्रिंग सिस्टम लिया था. उसके ऊपर हुक्स लॉ कैसे अप्लाई होता है ये भी हमने देखा था कि हुक्स लॉ जो हमारे पास होता है उसे हम कहते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जिसमें मैंने आपको बताया ये जो हमारे पास नेगेटिव साइन है ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आया है, के कांस्टेंट है और x एक्सटेंशन है स्प्रिंग में. तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है. कौन सी फोर्स होती है ये जो रिस्टोर करती है ओरिजिनल पोजीशन को. तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल को हमने भी इसमें डिस्कस किया था कि एक मास है और स्प्रिंग अटैच है और उससे हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये डिटेल से हमने डिस्कस किया था. मास स्प्रिंग सिस्टम जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जाम्पल थी. फिर हमने इसी को यूज करते हुए डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया था, वेलोसिटी फाइंड आउट की थी हमने, एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट किया था, टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था और उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट की थी. तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट की थी. तो ये हमने लास्ट लेक्चर को रिवाइज कर लिया. अब अपने आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. मतलब पीछे जो आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा है उसमें आपने सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली थी, लेकिन हमने एनर्जी को छोड़ दिया था. तो आज हम एनर्जी को डिस्कस करते हैं. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हम उसी लास्ट एग्जांपल को लेकर चलेंगे कि हमारे पास एक कोई फिक्स्ड पॉइंट है जिसके ऊपर जो स्प्रिंग है वो हमने अटैच किया हुआ है और इस स्प्रिंग का दूसरा जो एंड है वो किसी भी मास m के साथ अटैच है. इसी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के एग्जांपल को लेकर चलेंगे क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था. तो अब हम आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे कि ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जब ये अपनी मेन पोजीशन पर वाइब्रेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन देता है, तो इसकी जो एनर्जी है वो क्या वैल्यू देती है और वो किस तरीके से चेंज होती है. तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे. अब एनर्जी का आपको पता है कि एनर्जी हमारे पास क्या होती है.
किसी भी बॉडी की एबिलिटी होती है जो वर्क डन करती है, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा है एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी को हम डिवाइड कर देते हैं दो टाइप्स में। बेसिक जो हमारे पास एनर्जी होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी भी इसे हम कहते हैं। बाकी जो एनर्जी की टाइप्स होती हैं जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये इन दोनों के अंदर आती हैं। बेसिक जो हमारे पास टाइप है वो यही दो हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी में आपने पढ़ा हुआ है कि ये वो एनर्जी है जो हमें पोजीशन के साथ मिलती है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में लेके जा रहा है, उसकी पोजीशन डिस्टर्ब हो रही है, तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है? ये भी आपने पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में कि वो एनर्जी जो मोशन के साथ होती है, मतलब हरकत के साथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि एक कंटेनर है, उसके अंदर ना हमने बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिक्स इनक्लोज्ड किए हुए हैं, तो वो जो गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं उनकी जो मूवमेंट के साथ एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का सम होती है। ये भी हम फाइंड आउट करेंगे टोटल एनर्जी इस लेक्चर में, और फिर हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा था कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है वो कंजर्व्ड रहती है, मतलब चेंज नहीं होती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ा था कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होती, कंजर्व्ड रहती है टोटल एनर्जी। तो इसको भी हम वेरीफाई करेंगे अपने आज के लेक्चर में। तो चलिए हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं अब स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग के साथ अटैच होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर पहले हम एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे तरीके से कि हमने क्या कहा था कि हम एक मास स्प्रिंग सिस्टम ले रहे हैं। ये हमारे पास कोई मास स्प्रिंग सिस्टम है जिसको हमने मास और स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। अब इस मास के ऊपर मैंने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स है। ये इस फोर्स के जेरे असर इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया एक्स। जब ये आएगा डिस्प्लेसमेंट, जब आप इस फोर्स को हटा देंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा। तो ये जो स्प्रिंग है ये स्टोर करता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को। तो सबसे पहले हम वही एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। जब आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई की और उसकी वजह से जो मास था वो राइट साइड पे मूव किया, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मास एम ने कवर किया है। हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उस डायरेक्शन में, तो हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि वहाँ पर वर्क डन हो रहा है। तो चलिए वर्क डन से स्टार्ट करते हैं। हमने वर्क डन का फॉर्मूला लास्ट सेमेस्टर में ये पढ़ा था, इक्वेशन वन से रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने। एफ डॉट डी, डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, एफ अप्लाइड फोर्स है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स।
अब क्योंकि हमने स्मॉल पार्ट के लिए dx आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इस डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर दिया है x से। ये जो x है ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटीग्रेट करते हैं इसे। जब हम इस साइड पर इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन dw, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आपके पास सिर्फ वर्क डन बच जाएगा। तो इंटीग्रेट करते हैं कि पहले डिस्प्लेसमेंट जीरो था, मेन पोजीशन से हमने स्टार्ट किया और हमने मूव किया एक्स डिस्प्लेसमेंट तक, और इंटीग्रेट कर रहे हैं हम एफ डॉट डी एक्स को। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि यू इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस जीरो टू एक्स इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स। अब ये नेगेटिव साइन कहाँ से आया? वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने पढ़ा था कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास टोटल होती है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। अब जब हम बात करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, तो इसका मतलब होगा, ये भी हमने लास्ट में प्रूव किया था लास्ट सेमेस्टर में, कि जो डेल्टा यू है चेंज इन एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन के इक्वल होती है। तो अब हम यहाँ पर चेंज को कैपिटल यू से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो चेंज है पोटेंशियल एनर्जी में, ये नेगेटिव ऑफ द वर्क डन है। वर्क डन की वैल्यू हमारे पास ये थी इंटीग्रल के साथ, और ये हमने पुट कर दी इस इक्वेशन 5 में। अब हमने रिस्टोरिंग फोर्स में पढ़ा था, सॉरी हमने हुक्स लॉ में पढ़ा था कि एफ जो है वो माइनस के एक्स के इक्वल है। तो अगर एफ माइनस के एक्स के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये वाली जो एक्स एफ की वैल्यू है, इसमें हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए इक्वेशन 6 को पुट कर दें इक्वेशन 5 के अंदर। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन 7 बन जाएगी, जो यहाँ पर सिर्फ एफ की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास इक्वेशन 7 आ गई। अब इसमें जो के है वो तो हमारे पास एक कांस्टेंट है, लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, ये हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया इसे, के कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, और हमने इंटीग्रेट कर दिया एक्स से डी एक्स तक। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 बन गई। अब हम इस टर्म को, ये जो हमारे पास आई है, इसे इंटीग्रेट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू होती है। तो यहाँ से जब हमने ये हमारे पास इक्वेशन 7 जो लास्ट आई थी, ये हमने उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, रीअरेंज करके लिख दिया हमने उसे। अब हमने जब इसे इंटीग्रेट किया तो डेफिनेटली एक्स की पावर स्क्वायर में आएगी और उसी के ऊपर ये डिवाइड हो जाएगी। तो वही हमने नेक्स्ट स्टेप में किया है इक्वेशन 9 में, जब हमने इंटीग्रेट किया है ये वाली वैल्यू आई है, और क्योंकि लिमिट हमारे पास थी 0 से लेकर एक्स तक, तो हमने ये लिमिट यहाँ पे पुट कर दी 0 से एक्स तक। ओके, तो इसी इक्वेशन में, इसका मतलब है कि हमने जब ये 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और जब एक्स पुट करेंगे तो एक्स ही आएगा। तो ये वाली जो इक्वेशन है इक्वेशन 9, ये हमारी कन्वर्ट हो गई, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। ये तो हमारे पास जनरल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है इक्वेशन 10। ये इक्वेशन हमें ये नहीं बता रही कि ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर है, क्योंकि मास स्प्रिंग सिस्टम में हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं दो पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन सी पोजीशन होती हैं? एक हमारे पास ये मेन पोजीशन होती है, और ये वाली जो पोजीशन होती है ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन, और उसी तरीके से ये वाली जो हमारे पास होती है एक्सट्रीम पोजीशन होती है, मतलब कोई भी हार्मोनिक सिस्टम हो, हार्मोनिक ऑसिलेटर हो हमारे पास, वो अपनी दो पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करता है। एक हमारे पास
एक्सट्रीम होती है, दूसरी हमारे पास मेन पोजीशन होती है। तो अब हम देखते हैं, लास्ट में हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इस x की जगह हम पुट कर देते हैं ये वैल्यू। तो जब हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। जस्ट हमने क्या किया है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है हमारे पास, जस्ट हमने एक्स स्क्वायर की जगह उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट कर दी है जो हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव की थी। ये इक्वेशन 11 हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव की थी डिस्प्लेसमेंट की। तो क्योंकि अब यहाँ पर स्क्वायर है तो ये भी वैल्यू हमारी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम फाइंड आउट करते हैं यही पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट पोजीशन के लिए, जैसे हमने डिस्कस किया एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के लिए डिस्कस करते हैं। तो मेन पोजीशन के लिए सबसे पहले हम इसे डिस्कस करते हैं। मेन पोजीशन आपको पता है हमारे पास इनिशियल पोजीशन होती है, तो जिसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो पिछले इक्वेशन में पुट करें आपको यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी जीरो मिलेगी। एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी होती है, जिस पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम के इक्वल होता है, मतलब ये जो एम है ये मैक्सिमम को शो कर रहा है इधर। सॉरी, ये यहाँ पर मैक्सिमम को शो कर रहा है। तो पोटेंशियल अगर ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक्स एम के इक्वल है एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम कब होगी पोटेंशियल एनर्जी, जब हमारे पास एंगल मैक्सिमम वैल्यू देगा। और कॉस थीटा कब मैक्सिमम वैल्यू देता है, जब आपके पास थीटा क्या हो जाता है, जब आपके पास थीटा जीरो हो जाए, एंगल जीरो हो, तब आपको कॉस की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम मिलती है वन, जो इसके इक्वल होती है, मतलब कॉस का जो एंगल है वो आपको जो मैक्सिमम वैल्यू देता है वो प्लस माइनस वन के इक्वल होती है। तो अगर मैं कॉस की जगह वन की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रही है। अब हम इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं इस डिस्कशन से, कि हमने पोटेंशियल एनर्जी को जब फाइंड आउट किया तो हमने देखा कि मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जीरो है। मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन जो एक्सट्रीम पोजीशन थी हमारे पास, हमने एक्सट्रीम पोजीशन पर देखा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू दे रही है, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये इक्वल है हाफ के एक्स एम स्क्वायर के। पोटेंशियल एनर्जी हमें मैक्सिमम वैल्यू कब देती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर देती है, ये बातें आपने याद रखनी है। ये जो पॉइंट्स हैं ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, पोटेंशियल एनर्जी हमारी मेन पोजीशन पर जीरो होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होती है। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की तरफ मूव करते हैं, हमने पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर लिया जिसकी वैल्यू मैक्सिमम हाफ के एक्स एम स्क्वायर आई। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आपको पता है मूवमेंट के साथ जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब इसका मतलब है यहाँ पर हमने v की वैल्यू पुट करनी है। v की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव की थी, वेलोसिटी की वैल्यू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, जो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी इक्वेशन 17 की। तो चलिए इसकी जो वैल्यू है v की, इसको यहाँ पर पुट करते हैं। पुट करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो ये वाली होगी पूरी। अब काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई है हाफ एम माइनस ओमेगा एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होल स्क्वायर। स्क्वायर को जब हम खोलेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, और ये आपके पास इक्वेशन 18 आ जाएगी। अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सट्रीम पोजिशन पर देखते हैं। ये तो हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई। एक्सट्रीम पोजिशन पर हमने देखा
कि वेलोसिटी जो है वो हमारे पास जीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर। क्यों जीरो होती है? क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, तो उसकी वजह से वेलोसिटी जीरो होती है। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन 16 के अकॉर्डिंग। वी जीरो हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ओके, मेन पोजीशन पर क्या होता है? मेन पोजीशन पर हमारी जो वी है वो मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पर एक और स्टेप आपने करना है, वो मैंने यहाँ पर नहीं किया। वो क्या करना है आपने कि ये जो ओमेगा है आपके पास, ये ओमेगा इक्वल होता है अंडर रूट के बाय एम के, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास ओमेगा स्केयर है। तो जब आप इस वैल्यू की स्केयर ले लेंगे, मैं आपको लेकर बता देती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। ओमेगा स्केयर है हमारे पास, ओमेगा स्केयर की वैल्यू लेनी है किसके इक्वल आएगी, के बाय एम के इक्वल आ जाएगी ये वैल्यू। तो ओमेगा स्केयर की वैल्यू हमने ले ली के बाय एम। ओमेगा हमारे पास इसी स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास के इक्वल होता है अंडर रूट के बाय एम के। तो इस ओमेगा स्केयर की जगह मैं पुट कर देती हूँ के बाय एम, तो जो बाकी इक्वेशन है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। तो ये जो m है ये कट गया इस m के साथ, आपके पास बच गया हाफ, इस टर्म से आपके पास बच गया k, और बाकी इक्वेशन एज इट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये बच गया आपके पास। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने देख लिया कि मेन पोजीशन पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी V जो है वो मैक्सिमम होता है। अगर V मैक्सिमम है तो पीछे हमने साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की टर्म यूज की थी, इसको मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम कब होगी? जब हमारे पास 1 डिग्री की वैल्यू, 1 वैल्यू आए। और साइन 1 वैल्यू कब देता है? जब आपके पास थीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर ये 90 डिग्री है तो आपको मिल जाएगी साइन 91 के इक्वल। तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, तब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी जो इसके इक्वल आ रही है हाफ के एक्स एम स्क्वायर। एक्स के एम स्क्वायर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, सॉरी एक्स एम स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास मीन पोजीशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल जो एनर्जी आ जाएगी आपके पास, पीछे शुरू में मैंने आपको बताया था दोनों का सम होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है इन विद एंगल, वो हमने यहाँ पुट कर देनी है। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो फाइंड आउट की है विद एंगल, वो हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। तो जब हमने इक्वेशन 22 में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई इक्वेशन 23। तो इक्वेशन 23 में इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। कैसे रीअरेंज करेंगे? दोनों टर्म्स में देखें, आपके पास ये वाली जो टर्म है कॉज और साइन की, दोनों टर्म में ये जो मैंने सर्कल किया है ये दोनों टर्म कॉमन है। जो कॉमन टर्म है उसे हम बाहर ले लेते हैं, एक ही बार लिख देते हैं। और जो अंदर आ जाएगा आपके पास, ये कॉस स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी और साइन स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी, और इनके दरमियान में प्लस है। तो हमने यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू लिख दी है जो हमें cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने इसको रीअरेंज करके भी लिख दिया। हमने पोटेंशियल एनर्जी पीछे फाइंड आउट कर ली, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट कर ली, अब हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमने यहाँ तक इक्वेशन 24 तक हमने ड्राइव कर लिया था, ये हमने ब्रैकेट में रीअरेंज करके इसे लिख दिया था।
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आप क्या कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास वन ही देता है वैल्यू, तो चलिए इसकी जगह हम पुट कर देते हैं वन वैल्यू। और ये क्योंकि अब आप इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने थीटा लिया या ओमेगा टी प्लस फाई है, तो ये एज अ होल आप थीटा कंसीडर कर रहे हैं इस टर्म में भी और इस टर्म में भी, तो ये अगेन आपको जो टोटल एनर्जी मिलेगी ये वही मिल जाएगी जो हमने पीछे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव की है। तो यहाँ से हम रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहती है। अब यहाँ से आप और कौन से रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अब ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से भी आ सकता है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फाइंड आउट करें, प्रूव करें, तो वो भी हमने देख लिया। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है और काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। इसका कुछ रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, वो हार्मोनिक ऑसिलेटर वाइब्रेट करता है अपनी दो पोजीशन पर, मेन पोजीशन पर और एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर जीरो होगी, और मेन पोजीशन पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है। और अगर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। इसका मतलब है सिस्टम जो है वो वाइब्रेट कर रहा है दो चीजों के दरमियान, कौन कौन सी चीजों के दरमियान, पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान। मतलब एक अगर ज्यादा हो रही है आपकी तो दूसरी कम हो रही है, और दूसरी अगर ज्यादा हो रही है तो पहली कम हो रही है। तो यहाँ से एक ग्राफ है आपका जो इस एनर्जी की जो डिक्रीज हो रही है और जो इंक्रीज हो रही है इसको रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए मैं आपको वो ग्राफ बनवा देती हूँ, आपने भी ये ग्राफ लाजमी बनाना है। तो ये जो ग्राफ है हमारे पास, इसमें मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये हमारे पास आ गई एक कर्व, इसे हम अभी नाम दे देते हैं, और जो दूसरी कर्व है वो मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो दोनों में। ये इस तरीके का ग्राफ है। ओके, अब ये जो रेड वाली है, अगर मैं इसे कहूँ कि ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और जो हमारे पास ब्लू वाली है इसे मैं नाम दे देती हूँ पोटेंशियल एनर्जी का, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। चाहे आप यहां से स्टार्ट करें, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से भी स्टार्ट करेंगे सेम रिजल्ट मिलेंगे। तो देखते हैं, रेड को हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, उसी के साथ साथ ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ब्लू वाली ये इंक्रीज हो रही है। ओके, इसका जो ये वाला पॉइंट है ये है मेन पॉइंट। अब जैसे जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है और जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हमारे पास डिक्रीज हो रही है, तो उसी तरीके से हम ये चलते जाते हैं, इस पॉइंट तक आते हैं। इस पॉइंट तक आकर आप देख रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी आपके पास ये बिल्कुल जीरो हो गई है इस पॉइंट पर। और इसी पॉइंट के साथ हम देखते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी थी आपकी ये इसी पॉइंट पर जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी उसी पॉइंट पर ये काइनेटिक एनर्जी आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रही है। तो ये जो ग्राफ है
ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान वाइब्रेशन को, ओके okay, एक इंक्रीज हो रही है तो टोटल और दूसरी डिक्रीज हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो टोटल है वो कंजर्व्ड रह रही है। तो आज के लेक्चर में हमने मास स्प्रिंग सिस्टम को लेते हुए, हार्मोनिक ऑसिलेटर को लेते हुए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की और टोटल एनर्जी फाइंड आउट की कि वो कंजर्व रहती है। फिर हमने ग्राफ देखा कि कौन सा ग्राफ है जो रिप्रेजेंट करता है इन दोनों के दरमियान वाइब्रेशन को। तो आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो, कोई कैलकुलेशन में मसला हो, तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा, या मुझसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लें, या आप जूम ऐप में आए, लेकिन आप डिस्कस लाजमी करें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।